हम सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं, आज हम हुकूमत को और पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम जो आज पूरे देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है उसके खिलाफ है। और हम आज तबरेज अंसारी के लिए दुआ करने आए हैं। हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, उसमें कभी किसी की जान इस तरह से मॉब लिंचिंग के नाम पर ना हो। एक अकेले इंसान को, दहशतगर्द को घेर के अकेले इंसान को मजहब के नाम पे जब मारते हैं तो हम उसको भी दहशतगर्द वारदात समझते हैं। मैं आज तबरेज के लिए जब दुआ करता हूँ तो अपने मुल्क के लिए भी दुआ करता हूँ कि आज हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं वो बदल जाए। हम जिस तरह से हर मजहब के लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हमेशा वैसे रहते रहे। और तबरेज इसकी जो जान दी गई है, हम चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो। उसके साथ साथ झारखंड में 18 लोगों के साथ इस तरह से मार देने की वारदात की गई, हम उनके लिए भी इंसाफ मांगते हैं। हम उस हर शख्स के लिए इंसाफ मांगते हैं जो दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। आज यहाँ पे बालकला, मदनपुरा, तमाम जगह से लोग आए हैं, इसलिए आए कि हम सब हिंदुस्तानी मिलके अपने मुल्क के लिए ये कहते हैं कि हमारा देश एक है। हमारा देश हर किसी के मजहब, हर किसी का एहतराम और इज्जत करता है। हमारा हिंदुस्तान वैसा ही रहे जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने आजादी के वक्त सोचा है। यहाँ पर इस ऐतिहासिक नागपाड़ा जंक्शन में हमारे कौमी तिरंगे के नीचे हम हमारे मुल्क के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि तबरेज अंसारी जैसा हादसा जिंदगी में कभी नहीं हो, हमारे मुल्क में कभी नहीं हो। सबको दुआ करना है कि रब्बुल आलमीन ऐसे जालिमों को दुनिया ही में ऐसा इबरतनाक अंजाम और ऐसी इबरतनाक सजा दे कि दूसरों के लिए भी वो ताजियाना इबरत बन जाए। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के जिस जिस कोने में मुसलमान आबाद हैं, उनके माल की, उनकी जान की, उनके आबरों की, इज्जत की हिफाजत फरमा। उनकी बीवी और बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाहुल आलमीन जो लोग इस मुल्क के अमान और सुकून को गारत करना चाहते हैं, ऐ अल्लाह तो इस सरजमीन से उनका खात्मा फरमा और अमन शांति के साथ हिंदुस्तान की तमाम अकलियतों को इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमा। आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन तो हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम खवातीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह से कौमी मसले पे आप लोग आए। मैं तमाम साथियों का, तमाम नौजवानों का, तमाम लोगों का जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा।